हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि वेस्ट ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी की। आज हम लोग बात करेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को मान्यता किसको दी गई है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किस प्रकार से जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का, कि आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड इट्स करेक्टर्स। आनुवंशिक सिमिलरिटीज जो होती हैं या डिसिमिलरिटीज जो होती हैं, जिन्हें हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं, इन आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आनुवंशिकी के बारे में समझ गए कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक करेक्टर्स यानी कि आनुवंशिक लक्षणों की, कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे किसी घर में जब कोई संतान उत्पन्न होता है तो सब लोग खुशीवश देखने लगते हैं, मिलाने लगते हैं कि अरे ये तो इसकी आँखें इसके पापा पर गई हैं या मम्मी पे गई हैं। तो ये जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है, और यही लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण या जेनेटिक करेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। डीएनए को डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता दी गई है, या हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ मानते हैं। तो आइए हम डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार मानते हैं इसके बारे में भी हम आपको कुछ बता दें। जब तक डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल का खोज नहीं हुआ था तो उसके पहले के साइंटिस्ट प्रोटीन को ही अपना आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। जी हाँ, जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी उसके पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे वह प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। सभी वैज्ञानिक ये मानते थे कि प्रोटीन ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। परंतु जब 1869 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1869 में, जब फ्रीडरिख माइकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का खोज किया, न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया, तो उसके बाद साइंटिस्ट में ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन होता है या डीएनए। तो इन दोनों मतों को लेकर के काफ़ी असमंजस हो गया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिनसे यह सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है न कि प्रोटीन। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उस प्रयोग का जिसके वजह से डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता दी गई। तो हम आपको बताएं कि सन 1928 में 1928
1928 ईस्वी में फ्रीडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रीडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने 1928 ईस्वी में एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए यानी कि डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है न कि प्रोटीन। उन्होंने किया क्या, उन्होंने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले एक जनक जीवाणु को लेकर के गर्म किया। उन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया को लिया जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया फैलाता था। न्यूमोनिया फैलाने वाले एक पैरेंट जीवाणु को, एक जनक जीवाणु को लेकर के फ्रीडरिक साहब ने उन्हें गर्म किया। जब उन्होंने उसको गर्म किया तो उसमें डीएनए को छोड़ करके बाकी सभी मटेरियल निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो गए। फिर उन्होंने इस डीएनए को एक अरोगजनक, एक ऐसा जीवाणु जो कि रोग उत्पन्न नहीं करता था, उसके बॉडी में इसके प्लाज्मिस्ट को प्रविष्ट करा के इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है न कि प्रोटीन। तो ग्रिफिथ के इस प्रयोग को हम एक बार फिर से आपको दोहराते हैं कि सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने एक छोटे से प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है न कि प्रोटीन। उन्होंने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले एक जनक जीवाणु को लेकर के गर्म किया। उन्होंने एक ऐसा जीवाणु लिया जो कि न्यूमोनिया रोग फैलाता था, जिससे न्यूमोनिया रोग होता था, उस जीवाणु को लेकर के उन्होंने गर्म किया। जब उन्होंने उस जीवाणु को गर्म किया तो उसमें न्यूक्लिक अम्ल को छोड़ करके यानी कि डीएनए को छोड़ करके से सभी पदार्थ जो थे वह इनएक्टिव अर्थात निष्क्रिय हो गए। फिर उन्होंने इस डीएनए को जो कि एक रोगजनक जीवाणु का था उसे लेकर के एक रोग न फैलाने वाले नए जीवाणु में डाला तो वह जीवाणु भी रोग उत्पन्न करने लगा। इससे यह बात पता चलता है कि जो पहले रोगजनक जीवाणु का जो डीएनए था वही रोग न फैलाने वाले जीवाणु में जा करके इसके नेचर को, इसके प्रकृति को बदल देता है, जिसके कारण यह जीवाणु भी रोग उत्पन्न करने लगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है न कि प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुवांशिक पदार्थ को यानी डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ की मान्यता किस प्रकार मिली। अब हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता या वंशागति की। अनुवांशिकता या वंशागति क्या होता है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। जी हाँ, अनुवांशिक लक्षण यानी कि माता पिता के जो भी लक्षण हैं वह संतान में जाने की प्रक्रिया ही अनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। थैंक यू।